आज का टॉपिक है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। तो जो ये नेशनल प्रोग्राम है किसके लिए है? लेप्रोसी इराडिकेशन के लिए, यानी कि जो लेप्रोसी है, जो कुष्ठ रोग है, उसको मिटाने के लिए। इराडिकेशन का मीन है मिटाने के लिए, तो कुष्ठ रोग को पूरी तरह से मिटाने के लिए नेशनली ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रोग्राम में क्या था, ये फर्स्टली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था? इन दी 1983 में किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से, यानी कि इनको स्टार्ट किया गया था इन दी 1983 में। जो लेप्रोसी है वो क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिशिबल और जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ कंडीशन है, जिसमें क्या हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्किन को और जो पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जिसमें क्या होता है लेप्रोसी की कंडीशन में कि स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, वाइट कलर के निशान बनने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी। तो इसके इराडिकेशन के लिए नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था इन दी 1983 बाय द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि अर्ली डायग्नोसिस करना है किसका, अगर किसी भी पर्सन में सिम्टम्स शो हो रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें हाइपोपिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि उनका जो कलर है वो क्या होता जा रहा है, हाइपोपिगमेंटेड होता जा रहा है, कलर जो है उनका वो रिड्यूस होता जा रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन उनमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइट कलर के पैचेस बनने लगे हैं, तो उन सारे लोग और उन सारे केसेस को क्या करना है, अर्ली डायग्नोस करना है और उनका ट्रीटमेंट करना है, ये इनका मेन एम था। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो है लेप्रोसी इराडिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। क्या करना है, लेप्रोसी का इराडिकेशन करना है, लेप्रोसी को मिटाना है, और इसके अलावा क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन हमें लोगों को प्रोवाइड करना है कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट लेके और किस तरह से आप जो है किस लेवल पर आप ट्रीटमेंट लेके खुद जो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो लेप्रोसी है उसको उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, और जो लेप्रोसी की जो कंडीशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट था केस फाइंडिंग बाय सर्वे इन डिफरेंट एरियाज, यानी कि अलग अलग अर्बन एरिया, अलग अलग सिटीज़ में या फिर अलग अलग कम्युनिटी एरियाज़ में क्या किया गया, केस फाइंडिंग की गई सर्वेस के द्वारा, सर्वे किए गए और डोर टू डोर जाके सर्वे किए गए, जिनमें केस फाइंडिंग्स की गई कि कितने, कौन से एरिया में कितने केसेस मिल रहे हैं लेप्रोसी के या फिर सस्पेक्टेड केस मिल रहे हैं जिनको लेप्रोसी होने के चांसेस है, तो उनकी क्या की गई, केस फाइंडिंग की गई। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट विद शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि जो मल्टी ड्रग थेरेपी है शॉर्ट टर्म के लिए उनको दी जाए और क्या किया जाए, जो लेप्रोसी है उसको ट्रीट किया जाए। तो जो मल्टी ड्रग शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी थी, यानी कि MDT जो है, उसमें कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो दी गई थी, जो थी रिफेम्पिसिन जो कि 600 mg थी, और क्लोपाजिमाइन थी जिसका जो डोज था वो था 300 mg, और थर्ड जो मेडिसिन थी वो थी डेप्सोन जिसका डोज था 100 mg। ये तीनों ही ड्रग को क्या दिया जाता पर डे, यानी कि एवरी डे दिया जाता, रिफेम्पिसिन को 600, क्लोजेपेमाइन को 300 एंड डेप्सोन को 100 mg पर डे दिया जाता, किसमें, मल्टीपल ड्रग थेरेपी के अंडर ये दिया जाता शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि पेशेंट में को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट था अटेनमेंट ऑफ लेप्रोसी फ्री स्टेटस इन द इंडिया, और क्या इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया है वहाँ पर क्या अटेन करना है, प्राप्त करना है लेप्रोसी फ्री स्टेटस, यानी कि जो लेप्रोसी फ्री यानी कुष्ठ रोग फ्री जो स्टेटस है उसको क्या करना है, प्राप्त करना है इंडिया के अंदर, पूरी तरह से कुष्ठ रोग को मिटाना है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेटजीज थी मॉनिटरिंग ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन एंड वाइट स्पॉट्स, यानी कि उन लोगों को मॉनिटर करना है, उन केसेस को मॉनिटर करना है डोर टू डोर जाके, जगह जगह सर्वे करके, जहाँ पर क्या है हाइपोपिगमेंटेशन की कंडीशन देखी जा रही है और जहाँ के लोगों में क्या है वाइट पैचेस, वाइट स्पॉट्स जो है वो देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट डिसीज प्रिवेंशन बाय IEC, तो क्या करना है, डिसीज़ को प्रिवेंट करना है, डिसीज़ को ट्रीट करना है, किसके द्वारा, IEC के द्वारा, यानी कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के द्वारा, लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है डिसीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग, कि किस तरह आप प्रिवेंट हो सकते हैं, किस तरह आप किस लेवल पर
ट्रीटमेंट लेके अर्ली ही डायग्नोसिस उसका होके आप ट्रीटमेंट लेके जो है प्रिवेंट हो सकते हैं डिसीज कंडीशन से एट PSC एंड CSC विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हेल्थ वर्कर, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर हेल्थ वर्कर्स होते हैं और कहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जो जो वर्कर्स होते हैं, जो प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, तो क्या है उनकी हेल्प से क्या करना है, हमें डिसीज़ को प्रिवेंट करना है विद द मेथड ऑफ IEC के द्वारा, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, तो ट्रेनिंग किसकी करनी है, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है रिगार्डिंग डिसीज कंडीशन की आप किस तरह से सर्वेस कर सकते हैं, किस तरह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो शॉर्ट टर्म जो ड्रग थेरेपी है वो किस तरह से आप दे सकते हैं लोगों को और कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से उनके रिहेबिलिटेशन में आप हेल्प कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना है और बेटर इक्विपमेंट यूजेस के लिए, साथ ही साथ जो है न्यू टेक्निक्स के लिए कि किस तरह से आप कौन से ट्रीटमेंट को किस तरह से दे सकते हैं, तो न्यू टेक्निक्स के उनको बताना, उनको ट्रेन करना, तो क्या करना है जो भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना है रिगार्डिंग डिसीज कंडीशन और क्या करना है पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में हेल्प करना है, यानी कि उनके दोबारा से पुनर्वस्था में उनको प्राप्त करने के लिए हेल्प करना है। नेक्स्ट है डोर टू डोर MDT थेरेपी प्रोवाइड फॉर इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि जो भी लेप्रोसी के लोग हैं, जो भी इन्फेक्टेड हैं लेप्रोसी से, उनके घर घर जाके क्या करना है MDT जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी है वो प्रोवाइड करना है डोर टू डोर जाके, जिससे कि क्या हो सके, एक तो प्राइवेसी मेंटेन हो सके पेशेंट की और साथ ही साथ उनमें जो स्टिग्मा की कंडीशन हो रही है, यानी कि जो डर की कंडीशन उनमें पैदा हो रही है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट एट एवरी 4.5 लाख पॉपुलेशन, यानी कि जो लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट बनाई गई, कहाँ बनाई गई, जहाँ की पॉपुलेशन थी 4.5 लाख की जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन पर हमें क्या किया गया था, लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट को बनाई गई थी, इसी के साथ साथ क्या किया गया था, लेप्रोसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए थे उन जगहों पर बनाए गए थे जहां की पॉपुलेशन कितनी थी 50,000, यानी कि पर 50,000 जो पॉपुलेशन पर जनसंख्या पर क्या बनाया गया था, एक लेप्रोसी कंट्रोल सेंटर बनाया गया था, जिससे क्या हो सके मॉनिटरिंग हो सके केसेस की, अर्ली डिटेक्शन हो सके उनका और जो साथ ही साथ अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके लोगों का। नेक्स्ट है रिपोर्ट सस्पेक्टेड केसेस, और क्या करना था उसमें कि मतलब जो स्ट्रेटजीज के अंडर था कि जो रिपोर्ट जो केसेस हैं उन सस्पेक्टेड केस, यानी कि जिनमें हाइपोपिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है और जिन लोगों में जो वाइट पैचेस की कंडीशन नज़र आ रही है, उनको क्या करना है अर्ली करना है, डिटेक्ट करना है, यानी कि पहले ही उनको जो सीवियर ना हो उसी से पहले ही उनको क्या करना है डिटेक्ट करना है और जो रिपोर्ट है वो बनानी है, रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट को मेंटेन करनी है कि कितने केसेस हैं जो सस्पेक्टेड हैं लेप्रोसी के। नेक्स्ट है रिड्यूस स्टिग्मा, यानी कि जो जो फियर की कंडीशन है उसको क्या करना है कम करना है इसमें। तो आज हमने पढ़ा था नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन दी 1983 में, जिसका एम क्या था, जो लेप्रोसी को इरेडिकेट करना था और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड करना था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।